विकास यात्रा का बहिष्कार कर सरपंच संघ ने पंचायतों में तालाबंदी की। जिले में एक तरफ विकास यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरपंच संघ ने जिले की पंचायतों में तालाबंदी कर विकास यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। सरपंच संघ अध्यक्ष कमलेश पटेल ने बताया कि हमने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 5 दिन की समय सीमा भी दी थी, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज से हमने जिले भर की पंचायतों में तालाबंदी कर विकास यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। पटेल ने बताया कि हमारी छोटी छोटी मांगे जो आवश्यक हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण हम बहिष्कार कर रहे हैं। संघ की तालाबंदी का कितना असर जिले में देखने को मिलता है, ये स्थिति शाम तक स्पष्ट हो पाएगी कि किन क्षेत्रों में तालाबंदी रही है और कौन से क्षेत्र में तालाबंदी का असर देखने को नहीं मिला है। करने का हमारा कारण है कि हमारी 31 तारीख को बैठक हुई थी प्रदेश लेवल पे, और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में हमने उनके नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था और 5 दिन का समय दिया था कि भाई अगर 5 दिन में हमारा निराकरण नहीं होगा तो 6 तारीख से हम 5 तारीख तक निराकरण नहीं हुआ 6 तारीख से हम तालाबंदी करेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, हमने विकास यात्रा का भी विरोध किया है, उनको बहिष्कार कर रहे, क्योंकि विकास यात्रा का हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम वहां शामिल नहीं होंगे और तालाबंदी जब तक हमारा कहीं निराकरण नहीं होता है, ना कहीं आश्वासन मिलता है, तब तक हम तालाबंदी करते रखेंगे पूरा जिले में पूरे।